मग मझंड संग साधु मग मझंड संग साधु पूरे कर जन्म कर्म मारे उतरे मन ते जाए गुमान जन्म कर्म मारे उतरे मन ते जाए गुमान माग मजे नानक दिन गुरबान मन सुने से काटिए जिन पूरा गुर मेहरबान माग मजने स्नान माग मजन संग साधु माग
भजन संग साधुआ तोड़े कर इशनान हर का नाम दे आए सुन सब नानो कर दान जन्म करम माले उतरे मन ते जाए सच्चे मार्ग चल गया उस्तत करे जहान अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी गया भरवान जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिन मिलिया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान बाग सुजे से काटिए जिन पूरा गुर माग मजने संग साधुआ तोड़े कर संग साधुआ थोड़े कर इशना साधु संग भया मन उदम नाम रतन जस गाई साधु संग भया मन उदम नाम रतन जस गाई मिट के चिंता सिमर अनंता सागर तरिया भाई माग मजन संग साधुआ पूरे कर इशनान साध की तूर करो इशनान इतने सतगुरु ने आज के महीने दे विच माघ के महीने में सतगुरु जी फरमान कर रहे हैं धन गुरु अर्जन देव महाराज माघ मजन संग साधु धूड़ी कर इशनान इशनान कद नाल करना जी चरण धूड़ जो इस तरह मिट्टी है वह नहीं धूड़ नाल नहीं इतने सतगुरु जी फरमान कर रहे माघ मजन संग साधु उन्होंने संग करके की करना है हर का नाम ध्याए सुन हरि परमात्मा का नाम सुन फिर उन्हें ध्या फिर दिल च बसा उसके बाद की होगा जी हर का नाम ध्याए सुन सबनों को कर दान अपना जिन्ना भी कीमती समय है ना अपनी जिंदगी चो वो दान ये करना है जी की दान करना है गुरु तो कहता सिखा सिर तू अमृत वेले एक घड़ी में आ गए एक बार बैठ जा एक घड़ी आधी घड़ी इन्ना टाइम छोड़ दे रहे गरीब नवाज क्योंकि अजकल टाइम नहीं किसी को जो किसी को कहो आप गुरुद्वारे चलिए कद नहीं टाइम नहीं की करिए फुर्सत ही नहीं मिलती ते आम कहावत बनी है अपने पिंड कहते भाई साहब की करिए इना कारोबार हो गया मरण का टाइम नहीं आखो सतगुरु इतने तक भी गल कह देनी ये आम कहावत बनी है वो तो टाइम वो आपे कर लेगा कहने की लोड़ नहीं पर सतगुरु जी कहते तू समा कि वास्ते करना जी अपनी इस जन्म अमोलक हीरा जरा मिले ना सानू ये अमोलक हीरा मिलिया इस ते गुरु ने कृपा यह की है नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुरु पास असी हुणी प्रसंग शब्द श्रवण कर रहे सां कि बेदावा तो लिख के दे गए वो कादे तो जी गल वही आ गई मरण के डर मौत तो
ते दूजा भुख तो यह दो ही सवाल सन गुरु साहब जी के अगे कि गरीब नवाज असी भुखे नहीं मर सकते जा ते जंग लड़िए ते फिर यह भी इन्हां नाल जड़े मौत तो डरते सन वो जंग ही लड़नगे वो तो मेरे वर्गे यही कहते सन सच्चे पातशाह प्रशादा सुनो छकन मिलता पे तुसीं क्यों लड़ाइया लै रहे हो क्यों अपने घर विविधता पा ली असी जे वो हाथ जोड़ते पेन वो लिख के दे गए असी तुहाडे कोल कसम चुकने आ कसम चुकने आ कि तुसीं किला दो दिन वास्ते खाली कर लो आम यही प्रसंग असीं शर्म करते रहिंदे आ पर इस भुख तो मौत तो डरो बेदावत लिख के अज भी बेदावा असीं भी दिंदे रहिंदे आ हर वेले जदों अरदास पूरी ना होवे अखंड पाठ कराए जी गुरु ने पूरी नहीं की पता नहीं गुरु साहब साढ़े तो खुश ही नहीं ते मस्कीन जी ने बहुत सुंदर बचन किया है कह लगे भाई मरदाना जी भी पर बेदावा तो देंदे सन पर जबानी जबानी देंदे सन आखो सतनाम लिख के नहीं सन देंदे ते बाबा नानक भी बख्शा सी ये वड्डी खासियत सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज विच कि जिहड़ा बड़ी वड्डी भुल करके भी आ गए भुल बख्श रही है ना साहब आगे आ गए ते सतगुरु ही बख्श देंदे सन क्योंकि उहदा अकाल पुरख का पुत्र सी ना वह किसी नूं कौड़ा नहीं बोलने वाला जदों इन्होंने वह अठ अखरां दा रुका लिख के सतगुरु ने हाथ पढ़ाया हुण इह बिदावा लिख के ते तुर पए की लिखिया से उहदे अज तक भी दोहराने असीं पर जिहड़ी गल हो गई एक बार वह तो दोहरानी पएगी ना पर कुर्बान चाहिए बाबा मान सिंह तो धन माता भागो जी कि जिन्होंने उन्होंने बख्शवा भी लिया फिर उन्होंने अपनी टुटी गंढ ली इस पंथ विचों निकले नहीं फिर जुड़ गए आखो सतनाम श्री वाहे क्योंकि साहबां दी पंक्ति गाउंदी है बुद्धी बड़ी सुंदर मिलिया होए ना विछड़ा जे मिलिया होई वो मिले हुए सन अंदरों मिले हुए सन टुटते गए डर मारियो पर ऐसा बख्शे दे पिता हुण उह सिंह जिहड़े बिदावा लिख के दे के तुरे ना ते सतगुरु जी को रुका हाथ च भी फड़िया उहदे ते लिखिया सी ना तू साडा गुरु असीं ना असीं तेरे सिख ऐ कोई इस तरह गल करन वाली ऐसे गुरु नूं इह गल लिख के देणी तू साडा गुरु ने मूंह दे उत्ते सामने जिन्हां ते इन्ना इतबार इतिहास लिखे भाई वीर सिंह ने कि इन्ने इतबारी सिख सन गुरु उन्हां तों बगैर रहिंदे नहीं सन अज बेदावा लिख के हाथ पढ़ाया रुका ते तुर पै जी हुण किहड़े बाहर जा रहे ने इधर दिनों दिन ये दिन गुजरते जा रहे तो तकलीफां सतगुरु दियां होर भी वध रहियां नाले गुरसिखां दियां पिठां वेख रहे ने ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤੀ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗ लगा होवे घमसान युद्ध लगा होवे इधरों पहाड़ी राज्यां ने भी हमला किया होवे
इधरों मुगलों ने भी चढ़ाई की हो सिख बेदावा लिख के जान पर जे गुरु ये भी चाहता माफ करना जे गुरु चाहता क्योंकि फौज तैयार की सतगुरु ने फौज के कानून सतगुरु गोली मार सकते भगौड़े आखो सतनाम श्री वाहे क्योंकि एक गल कह के जा रहे असं तेरे लड़ नहीं सकते तू साड़ा गुरु ने पर नहीं ये फौज कहड़ी सी सतगुरु ने बनाई ये धरबी फौज सी आखो फौज नहीं सी एक दूजे ने मार देना ना यह बख्शन हार बैठा है जी लीडर जरा इस फौज का मालिक है आखो सतनाम श्री वाहेगुरु अजे जा रहे कुछ शहीद हो गए कुछ घर पहुंच गए जिस तरह आप जी ने श्रवण किया ही है कि घर जो पहुंचे तो उन्होंने ये गल कही पर सतगुरु जान लग्या ये गल कह रहे धन गुरु रामदास गुरु रामदास महाराज का शब्द है जी क्योंकि कई कोई कोई भी जोत है वह तो हर गुरसिख को गले गलवकड़ी च लै के ये गल कह रहे हैं आए मिल गुर सिख आए मिल प्यारा
सतगुर प्यारा देखे बेटो नानक वारिया सदा सदा गुरबाना आए मिले गुर सिख आए मिले आए मिले गुर सिख आए मिले माग मजन संग साधुआ हर का नाम ले आए सुन सपना नूं करदा ए सतगुरु जी नाले तो उन्हां दीआं पिठां वेख रहे जांदियां दीआं ते नाले ओह रुकां नूं वेख के ते अगले समें दी उड़ीक कर रहे जी अगला समा आने वाला कैसा होगा क्योंकि साहबां नूं पता सी कई बारी ते जिस तरह संसारी लोग गल्लां करदे ने कौतक करदे ने गल्लां बातां करदे ने सतगुरु जी कई बारी इस तरह दी करदे सन ओह इह ना कहण कि सतगुरु जी ने पछाण लिया खिदराणा दी धाम दा तुसी सब नक्शा श्रवण कीता है इधरों सतगुरु जी नूं बहुत बेनतियां कीतियां गईयां गरीब नवाज किला खाली कर दिए आपां ने किले तों की लैणा है ओह गौआं दीआं कसमां चुक रहे ने हिंदू राज कहण लगे इन्हां ते इतबार ना करो सतगुरु जी ने बहुत कीरज दिता पर यह सिख ना रह सके आखिर क्योंकि बहुत वड्डा हथियार सी जिहड़ा मां कोल जाणदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सिखां नूं पता सी कि गुरु कलगीधर पातशाह जी मां दा क्या नहीं मोड़दे क्योंकि असीं कहिंदे आ ते इस गलों भी नाराज हुंदे हन कि योधा की ते पिठ विखा के भजणा की आखो सतनाम श्री सतगुरु जी इस गलों बड़े होशियार सन इस गल दे बड़े पक्के सन सूरबीर बचन के बली कहणगे जो अकाल पुरख ने मैनूं कह के भेजिया ना मैं ओही करना मैं किसी कोल डर के नहीं जाना मैं जदों मां जी कोल पहुंचिया सुनिया ते मां जी फिर बेनती की कहण लगे पुत्र जी लाल जी मैं एक गल कहनी सी आप जी नूं गरीब नवाज जी दे हाथ जुड़ के ते बेनती कीती मां जी हुक्म करो सिर मत्थे ते हुक्म तुहाडा ते सब सतगुरु नूं पता सी जिसने आ पहुंच गए सिखां ने आके मां जी नूं कहता मां जी कहण लगे पुत्र जी लाल जी आपां किला छड़ दीए फिर आ जांगे कहण लगे मां जी छड़ के जाना ते मुड़ के आउणा ये अकाल पुरख दे हाथ है ये किला छड़न दी तैयारी हो गई सतमचन कहता अमृतला होने तो पहले ही अद्धी रात में किला छड़ता अज कीरतपुर तो आउंदे आ
कि साहब यह भी पता सी असी किला जरूर छड़िया पर फौजा ने पिछों मार करनी है। आखो सतनाम जी सामने नहीं सुन लड़ते किसी की जरूरत नहीं सी पैंदी सामने होके लड़न की। एक करगीधर पातशाही का वचन है सानू कोई लड़ा नारायण के भाग है सामने हो गए सिंह की वैरी का फट कंड पिछे खावे ना भजदिया नहीं मार खाने सामने होकर लड़ना। सतगुरु जी जो सरसा के कोल पहुंचे ना तो सतगुरु को यह पता सी कि पिछों चढ़ाई की थी पीएन पिछों राजा ने हिंदुआ राजा ने पहाड़िया ने पैना साहब अजीत सिंह जी ने हुक्म किया बुलाया जी पिता जी हुक्म कह लगे बेटा जी पिछों फौजा ने हमला करना है फौजा ने तुसी रोकना है अमृत वेला हो गया आपां इत्थे डेरा लाना इत्थे ठहरना है कुछ समा फौज ने रोक के रखना है। तो सतगुरु जी उत्थे सरसा ते की करन लगे जी जिहड़ा असी कुछ नहीं करते अमृत वेला खुजा बैठे सतगुरु जी जंग विच होंदियां भी युद्ध हो रहा है उधर आसा की वार ला रहे हैं अजकल रागी आसा की वार भी ला के राजी ने किसी को कहो आसा की वार संपूर्ण लानी है महाराज जी अपने हजूरी जिथे को लवा लो नहीं लगती बड़ी मुश्किल असी जब कीर्तन कर लगे गए थे क्योंकि मैनू बड़ा चाह सी कि आसा की वार सानू सेवा मिलेगी पर उन्होंने उन्होंने बहुत वड्डा जत्था समझ के उन्होंने ये बेनती की कि तुसी लाओ आसा की वार वह की कह लगे जी वड्डे जत्थे जिहड़े ने वह नहीं लाते वाहिगुरु वह वड्डिया च गिणे जाते टीवी से आ जाण कैसटा भी 15 आ जाण है जी वह आसा की वार नहीं लाने लवा के वेख लिया जी मैं सच कह रहा क्योंकि उन्होंने माया लैनी थोड़े को चुकाई हुई वह तो उन्होंने कोशिश कर रही अद्धा घंटा पौना घंटे कीर्तन हो बहुत है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो कह लगे थे फिर जे तुम वे जत्थे हो तो भाईचारे रजीश्वर जी कि जत्थियों चुने जो आसा की वार उन्होंने कहोंगे असं वह तो शुक्र कर देना पे ये तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करता है धन भाग जे सवेरे आसा की वार का समा प्राप्त हो जाए वह जन्म मरण रहत हो जाता है। कलगीधर पातशाह जी आसा की वार आरंभ की आप उस दिन कीर्तन सतगुरु ने आप आसा की वार लाई संपूर्ण इधरों कुछ नाल सिंघां नूं नाल लैके साहब अजीत सिंह जी फौज नूं रोक के रखिया गया अगे वधण नहीं दे रहे इन्ना घमसान युद्ध हो रहा है सरसा दा जोगी अला यार खां बहुत सुंदर लिखदा जी आप जी शरवण करो बाबा दयाल सिंह जी ने बेनती की गरीब नवाज संपूर्ण आसा की वार दा समाप्ति होई ते बाबा दयाल सिंह जी जब तक साहब अजीत सिंह जी भी आ गए पार होए सरसा ते बाबा दयाल सिंह जी ने बेनती की गरीब नवाज कुछ सिंह सरसा की भेट हो गए वड्डे माता जी ते छोटे साहबजादे भी सरसा की भेट हो गए सतगुरु जी चढ़ दिया कला च उस अकाल पुरख का पुत्र मैं अपना सुख तो है नवाजा ये धीरज रखने वाला ये सारिया गल्लां नूं बर्दाश्त करने वाला धन गुरु गोबिंद सिंह वह प्रगटियो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा ते जोगी अला यार खां बहुत सुंदर लिखता जी आप शरण करो दो चार लाइना हैं बहुत सुंदर।
कहू क्या सखी दसम गुर के कहाने जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा मोरा क्या सखे दसम गुर के कहाने जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा किला छोड़ घर तक है अपना लुटाया और बचपन में अपने पिता को घटाया अकेला ही फिरता रहा जंगलों में वो भार मिटाया पिता के कहाने जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। जब बाबा दया सिंह ने बेनती की ना जे सरसा च रुड़ गए ना छोटे साहबजादे ते माता बिछड़ गए श्री मां बच्चे प्यारे ते घबराए आशिक हजूर पुकारे कहां फिक्र करते हो कहां जाने सारो उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है कहूं क्या सखे दसम गुर के कहां जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। ये मुसलमान लिख रहा जी साहबां दियां ये सारी झलकी जो सरसा दी है ये सतगुरु जी बाबा दया सिंह की कह रहे हैं कटाऊंगा कल तक इन बाकी को जाकर कटाऊंगा कल तक इन बाकी को जाकर अकेला ही रह जाऊंगा घर अकेला ही रह जाऊंगा घर कभी बेटे वाले कभी वारा वाले ये किस्तों से कर्जा अदा हो रहा है कहूंगा सखी दसम गुर की कहानी जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा ओ मुसलमान लिखता है मैं कुर्बान जावा ऐसे गुरु तो कहता मैं तो जो मैं लिखना भी प्याला उन्होंने बारे जो मैं शहादत लिख रहा मेरे दिल के टुकड़े हो रहे कटाऊंगा कल तक इन बाकी को जाकर दया सिंह तू तो उनका फिक्र पे कर ए जो अजीत सिंह का जन्म होया सी ना ए उदो ही साहब जी ने कहा सी तन भाग हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरिया किश्तां उतारने वास्ते एक मिनट भेज दिता ही सतगुरां ने इन्हें पाल पोस के वड्डे कीते मखणा नाल आनंदपुर साहब विच एक बचन याद आया साहबजादे अजीत सिंह जी वड्डे सन मां ने एक वारी सवाल ही कर दिता कि लाल जी मेरा पोतरा जवान हो गया कोई चंगा घर वेख के आपां इन्हां दी शादी भी करनी है क्योंकि बजुर्ग इन्हां चीज़ां नूं बहुत गाउंदे सन ते कदी नहीं गाईआं
कई चीजा भुल भी गई कई तो पढ़ता रखता मैं पढ़ता नहीं रखता जड़ी नहीं याद भुल जाती है कुछ उम्र का भी तकाजा इस तरह का हो गया मैं एक बार बाली भाज ने कहा मैं क्या मैं कई चीजा भुल गई कहें इस उम्र आके हो जाता भुल जा माता जी ने बेनती की थी लाल जी मेरा पोतरा जवान हो गया है मेरे पोतरे जवान हो गए ना बाबा जुझार सिंह जी बाबा अजीत सिंह जी इन्हों की कई मंगनी है शादी कि कर रही है खुशियां मनाई है मैं उन्होंने डोले वेख लव एक दिन मात ने कहा दशमेश जी ने मेरे पोतरे हो गए जवान सतगुरु करो मंगनी अते शादी डोले नूहां दे घर आ जाण सतगुर शान शौकत दे नाल इह काम करना है जिवें साडी है जग ते शान सतगुर जो इन्ना बचन किया ते साहिबां ने साहिबजादिआं नूं बुला लिया एक कवि दी कल्पना है क्यों दास भी यह नहीं कह सकता कि वह क्योंकि एक काम किया ही होगा सतगुरु ने यह तो जाने जाने जो कुछ कौत किए असी एक गल कह सकते हैं कि गुरु समर्थ है जे अगला भविख जो भी अगे जो शहीद बच्चे करवा सकते हैं तो यह माँ को गल कह सकते हैं कि माँ ने गल कही होनी है ये तो अंदाजा तो हो सकता है ना कि माँ जी साहबजादों दीवान च बुला के साहब अजीत की छाती मनी मां बड़ी खुश हो रही है वरी बनाने वास्ते सोहने सोहने बस्त्र बनाने वास्ते तैयारी कर रहे हैं पर भोली मां को यह नहीं पता तो सतगुरु जी ने यह वचन किया मां साहब अजीत की छाती में तान मिलना किनिया गोलियां विचों लंघवा सकता है जोराबाद के कदम नापदा हाँ किन्ने फट वैरिया दे खा सकदा ते अखीर विच कहिंदे ने पाले पोसे होए साहिबजादे बलि देण दे लई सदवा रहे ने कोई सिंह यह ना कहे कि सिख बरवा के ते कलगी वाले ने बच्चे बचा रहे उन्होंने पहला साहबजादे अगे लाया चमकौर की गढ़ी में भी साहब अजीत सिंह जी कथा भेजी तो अजीत पुत्र भेजे प्यार कर कोई सिख यह ना कहे अड़े कि बाबा दयाल सिंह जी ने कहा बेनती की गरीब नवाज साहबजादा जी ना भेजो तुम गढ़ी छड़ के पुत्रा लैके निकल जाओ गरीब नवाज तुम बच गए तो सिंह सज जाएंगे और असी शहीद भी हो गए गरीब नवाज तुम फिर सिंह सजा लो गए जे तुम ना रहे तो गरीब नवाज सिंह कितों सजेगा कोई कह लगे नहीं कहती गल वाली गल नहीं करनी साहब जी कह लगे इस तरह छड़ के गड़ी मैं तुम्हें छड़ के जा सकता तुम मेरे बच्चे नालों भी प्यारे हो मान सिंह ने यही गल कही ना आप जी ने इतिहास श्रवण किया ही है कह लगे मान सिंह ओ मेरे लाल मेरे पुत्र खास है दस तू साहब जी टोलते टोलते ना नेरा सी ढूंढ रहे मैं सिखा दे लोथा पई दुश्मन तो भी ढेर लगा पाया तो सिसक दी जी आवाज थोड़ी जी सह दी आई साहब जी ने कोल जाके पछाणिया कह लगे ये मां सिंह जी साहब जी ने लो लत पत होया सिंह पिया हो पर साहब जी अपने रुमाल नाल अपने परने नाल अपने बस्त्र नाल गूंज रहा चेहरा ऐसा गुरु है जी ये नहीं कि सिख पिया है तो गुरु टुर गया ना गुरु तो सिखा नूं लभदा करदा पता सी
एक आगे का टुकड़ा जरा दे चले ना अगला सारा सारा सब सतगुरु को पता से वो तो एक इतिहास की गल बनी घर पहुंचे तो घरद ने किया वह सतगुरों भीड़े छड़ के आ रहे कल्या छे उधर जंग युद्ध लगे पे इन्ना घमसान युद्ध होया पे लगा पा यह किया जी तुम घर बैठो तो असी जानिया जंग लड़न भाई भागो घोड़े से सवार हो ललकारा मार के गल कही जिन्हें शहीदी पानी है ना वो आज मैं तो जा रही हूँ उस कलगीधर पातशाही दे कोल जिन्ना हो सकता उसकी मदद करांगे ते पिंडा दे जत्थे इकट्ठे हो के मान सिंह जी भी उस जत्थे दे आगू बने ते उत्थे किथे पहुंचे जी जिथे खदराणा दी ढाब ते सतगुरु जी लंघन लगे जिथे जल दा सरोवर या तलाब सी वो सुका पिया जी सतगुरु जी अगे नूं निकल के टिब्बी वाले ते उन्होंने मान सिंह जी जदों जत्था लैके पहुंचिया ते कहन लगे ये जगह वधिया क्योंकि असी इत्थे फौजां नूं रोकांगे इत्थे लड़ांगे ते उन्होंने यही शक पैना कि गुरु इत्थे ही है आखो सतनाम ते सतगुरु जी अगे टिब्बी ते पहुंच गए ये भाई मान सिंह बड़ा ही जल्द युद्ध होया जी फौजा आग चढ़िया जंग इन्ना घमसान युद्ध होया 5000 फौज विचों इतिहास विच लिखिया है कि 5000 फौज विचों 2000 फौज बची फिर टावा टावा कहन लगे नवाब कहिंदा कि रात तो पै गई है लड़ाई भी खत्म हो गई है गोली सिक्का भी खत्म हो गया है हुण चलदा कोई नहीं पिया पर जदों वो अपने नाल साथियों नूं लैके ढूंढ रहे वेखदा ना कि इस इन्ने घमसान युद्ध विच जरूर कलगी वाला इत्थे शहीद हो गया होना आखो सतनाम ये सोच के लभदा पिया ते की वेखदा नाल दे साथी नूं आण तीर वजदा वेखदा मेरा साथी ते डिग पिया जो वेखदा तीर वजा कहण लगे नहीं उह नाल दा कहिंदे ने नवाब कहिंदा सूबा जी तुसीं ते कहिंदे हो ना कि गुरु कलगीधर शहीद हो गया उह रीतियां सिद्धियां दा मालिक है उहनूं तूं नहीं मार सकदा आखो सतनाम मैनूं तां लगदा इह तीर उहनां दा ही नहीं हाली भी तीर चला रहा है टिब्बी तो तीर आ रहा जी ये फौजा लैके भज उठा मैदान खाली कर गया तो इधर सतगुरु जी फिर भाई मान सिंह को बह के ये वचन किया मान सिंह भी मंग कहते गरीब नवाज जी तेरे दर्शनों की तांग सी वो तेरे दीदार हो गए तेरे दर्शन हो गए ते कह लगे कुछ मंग जल का छट्टा दिता होश विच लिया सिसकियां भर रहा है अखां च अथरू हन जल आया है ते कहिंदा गरीब नवाज एक कृपा करो केड़ी मां सिंह दस तू जिहड़ी बचन कहेगा जिहड़ा हुक्म करेगा तू कहणा गरीब नवाज बेनती दास कहण लगे गरीब नवाज जी जे टुटे हो ना वह बेदावा जिहड़ा लिख के दे ऐसा पाड़ दे ते सतगुरु बख्शेंद कागज कढ़िया सामने इहने कि लुका के कहण लगे यही है मां सिंह ने सारा सरबंस शहीद करवाए छोटे बच्चे विछड़ गए परिवार विछड़ गया आनंदपुर छड आया मैं चंगिया चंगिया वस्तुआं छड आया पर तुहाडा यह रुका नहीं मैं छड़िया आखो सतनाम वो नाल लैके आया पता सी ना सतगुरां ने बख्श दिता जी ते की किया
सच्चे मार्ग चल दिया उस तत्ते करे जहां। जो चंगे रस्ते चलांगे ना ते गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਟੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਸਾਧੂਆ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾ।